जलालाबाद के कांग्रेसी विधायक रविंदर आमला वालों किसानों के हक और आर्डिनेंस के विरोध में की विशाल ट्रैक्टर रैली। पंजाब भर में केंद्र सरकार वालों पास किए 3 आर्डिनेंस खिलाफ लगातार विरोध हो रहा है। यह विरोध तहत अज जलालाबाद के कांग्रेसी विधायक रविंदर आमला वालों किसानों के हक और आर्डिनेंस के खिलाफ एक विशाल ट्रैक्टर रैली कड़ी गई। ट्रैक्टर रैली की अगवाई खुद हलका विधायक रविंदर आमला सबका जंगलात मंत्री हंसराज जोसन ने की। इस रैली को रवाना करने मौके कांग्रेस के जिला पद्धर के आगू मौजूद सन। इस सबका सांसद शेर सिंह घुबाया, पंजाब कांग्रेस कमेटी के सूबा प्रधान सुनील झाखड़ के भतीजे संदीप झाखड़ भी हाजिर सन। इस मौके विशाल ट्रैक्टर रैली में मौजूद हुए हजारा ट्रैक्टर लैके पहुंचे किसानों को संबोधित करदे विधायक आवला ने कहा कि अज की यह ट्रैक्टर रैली जिथे विशाल है उथे एक इतिहासिक रैली बन गई है। उन्होंने संबोधित करदे कहा कि केंद्र सरकार वालों पास किए खेती आर्डिनेंस किसान विरोधी मजदूर विरोधी आम वर्ग विरोधी हैं जिन्हों का कांग्रेस डट के विरोध करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खिलाफ रो विरोध जताने लिए यह विशाल ट्रैक्टर रैली की जा रही है। यह रैली जलालाबाद शुरू होकर मंडी रोड़ा वाली तो हुंदी हुई मंडी अरनी वाला विखे समाप्त की जाएगी। इस मौके ट्रैक्टर रैली को संबोधित करदे सबका जंगलात मंत्री हंसराज जोसन ने कहा कि यह खेती आर्डिनेंस जिथे किसान विरोधी हैं उथे आम लोगों पर भी इन्हों का भारी असर पवेगा। उन्होंने पंजाब के किसानों नूं केंद्र सरकार खिलाफ एकजुट होने का सद्दा दिता। ट्रैक्टर जो असी रोज़ रैली कर रहे हैं, ट्रैक्टर एक निशान है किसानों का। अज पंजाब कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने सुनील कुमार जाखड़ जी के दिशा निर्देश से असी दसना चाहते हैं कि पंजाब की सारी कांग्रेस जलालाबाद की सारी कांग्रेस किसानों के नाल है। असी मरते दम तक आखिरी साह तक किसानों के हकों के लिए आढ़तियों के हकों के लिए उस सेंटर च बैठी सरकार के खिलाफ जो मोदी और अकाली दल बादल की सरकार है वो खिलाफ़ असी लड़ते रहेंगे और हरेक मोर्चे से असी किसानों का साथ किसानों का असी दसना चाहते हैं। पार्टी का प्रोग्राम है पर किसानों के लिए असी किसानों के नाल है। दसना चाहती है कांग्रेस कि कांग्रेस का हर एक सिपाही हर एक लीडर हर एक वर्कर अज किसानों के नाल खड़ा है। अज देश आजाद होए नूं 73 साल हो गए ने और जो मैं महसूस करना या जो प्रैक्टिकल तौर पर जो साढ़े वापर रहा इतने हिंदुस्तान दे विच कि 73 सालों दे विच कोई भी गौरमेंट आई चाहे किते कोई कांग्रेस की गौरमेंट आई चाहे दूजी पार्टी की गौरमेंट आई पर उन्होंने जिमीदार का फायदा किया। बदकिस्मत की गल है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं लोगों ने दूजी बार चांस दिता और जो उन्होंने काले कानून बनाए ने मैं समझना कि जिस दिन वो पहला कानून लैके आया सी ऑर्डिनेंस चालू जारी किया उन्होंने 4-5 महीने पहला वो हिंदुस्तान के इतिहास के जो काला दिन सी ते जदों हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के पास किया बिल नूं उस वेले उस तो बड़ा जो समा हिंदुस्तान के वास्ते नहीं हो सकता। देखो हज़ारों की गिनती के ट्रैक्टर क्योंकि लोगों तो अगे ही लोग करजाई पंजाब के लोग हरियाणे के लोग जिथे MSP लागू होता है ये सारे लोग अगे ही करजे नाल दबे पए ने अते इहदे नाल निरा जिमीदार का नुकसान नहीं होना। जिमीदार के नाल नाल व्यापारी मर जाएगा क्योंकि जिमीदार दे एक बैकबोन है। हिंदुस्तान एक इहो जिहा मुल्क है जिथे 70% आबादी वो एग्रीकल्चर से डिपेंड करती ते बाकी भी 30% की गल करिए इनडायरैक्ट जिहड़ी एग्रीकल्चर से डिपेंड करती। मैं समझना कि साडे वास्ते बड़ा माड़ा समा होएगा, लोगों को बाहर निकलना चाहिए। मैं तो भी कहंगा कि पार्टियां पुलटियां का इन्हां नूं पासे रख देना चाहिए। अज वक्त आ गया कि सानू किसानों के मगर लगना चाहिए, किसान साढ़े अगे लगे हो और असी उन्होंने पिछे हो। पर यही तो बदकिस्मत है कि कल थां थां ते धरने लगे सीगे, वक्खो वक्ख धरने लाए सी, क्यों नहीं किसानों के बैनर थले होए? मैं कल किसानों के बैनर के थले रहा जिन्नी देर आया 2-2.5 घंटे तक। मैं पार्टी को सलाह दे रहा, मैं अपनी पार्टी को भी सलाह देना। चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत कुछ किया, अगे भी करे बड़ा वड्डी हमायत कर रहे हैं। ठीक है क्योंकि लोगों के चेतना लियाना चेतना के वास्ते काम कर रहे हैं पर सानू अखीर ते जिहड़ा किसानां दे नाल जुड़ना पएगा, किसान नू अगे लाना पएगा क्योंकि जे अकाली दल तगड़े हुंदे तां हिंदुस्तान दी पार्लियामेंट दे विच उहदा वजीर सी, उहना क्यों नहीं रोकिया ऑर्डिनेंस जदों होया ते जेकर उहना ने जदों उहनू कानून बनाया उस वेले क्यों नहीं रोकिया? चीफ मिनिस्टर साहब तां साडे अगे ही रौला पा रहे ने, इहनां दी किसे सुनी नहीं। मैं अज भी बेनती करांगा पंजाब दे मुख्यमंत्री नू कि जे तुसीं कोई उहो जिहा कानून लिया सकदे जे कि पंजाब दे विच लागू ना होए चाहे स्पैशल सैशन नू बुला लो
ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੀਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।